बिटकॉइन ने ठीक अभी रिजेक्शन दी है डेली टाइम फ्रेम पर, एंड ये वही ट्रेंड लाइन है जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन करा था, एंड उसी ट्रेंड लाइन पर बिटकॉइन ने रिजेक्शन दिया है। एंड सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं, बिटकॉइन के साथ साथ पूरी क्रिप्टो मार्केट इस टाइम रेड में है, चाहे हम बिटकॉइन की बात करें, इथेरियम की, बीएनबी की, टॉन की, एडीए, सोलाना, एक्सआरपी, हर एक क्रिप्टो, मेजोरिटी ऑफ द क्रिप्टो इस टाइम आपकी रेड में ही है एंड नेगेटिवली परफॉर्मेंस दे रही है। लेकिन ये डंप एकदम से आया क्यों? ये डंप इसलिए आया है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी है सारी एनालिसिस समझने से पहले, एक बार जल्दी से वीडियो पॉज करके और लाइक बटन जरूर प्रेस कर देना। इस बार एम करते हैं कि इस वीडियो पे हमें एटलीस्ट 50 लाइक्स मिल रहे हैं, तो मेक श्योर वो वीडियो पॉज करके आप लाइक बटन अभी के अभी प्रेस कर रहे हैं। एनीवेज, जब हम वापस इस रिजेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इस रिजेक्शन के पीछे दो मेन रीजंस हैं। एक तो है आपका कॉइनबेस का, कॉइनबेस का रूमर्स में बहुत टाइम से चल रहा था, एंड ऑफिशियली उनके सीईओ ने भी एक स्टेटमेंट दे दी है, कॉइनबेस यहाँ पर पेपर बेस्ड बिटकॉइन इशू कर रहा। पेपर बेस्ड बिटकॉइन से क्या मतलब है? दे आर इशूइंग एक कॉन्ट्रैक्ट जिसको बैक करता है बिटकॉइन, लेकिन वो बिटकॉइन रिजर्व्स में है या नहीं उसकी कोई वो बैकिंग नहीं दे रहे हैं। लाइक देयर इज अ सेइंग कि ऑलवेज वेरीफाई डू नॉट ट्रस्ट, तो यहाँ पर जो उनके सीईओ हैं बेसिकली ये कह रहे हैं कि हम ट्रस्ट करें वेरीफाई ना करें, एंड अगर हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं तो मार्केट में ये चीज पता लगानी मुश्किल है कि जो एक्चुअल में वो बिटकॉइन इशू कर रहे हैं पेपर बेस्ड बिटकॉइन, एक्चुअल में उनके पास इतने रिजर्व्स भी हैं या फिर नहीं। और अगर वो रिजर्व्स नहीं होते हैं तो कॉइन बेस का भी हाल FTX या फिर वजीरएक्स जैसा देखने को मिल सकता है। तो ये था सबसे पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है? ठीक कल रात को यहाँ गए, हाँ हमारे टाइम फ्रेम के हिसाब से कल रात को ही ट्रंप पे एक और असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है। अब डोनाल्ड ट्रंप प्रो क्रिप्टो एंथुसियास्ट है, क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च करने वाले हैं, वहाँ पे क्रिप्टो सर्विसेज लॉन्च करने वाले हैं, एंड उन्हीं पर ही एक और असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है, और जो कि दूसरा असैसिनेशन अटेम्प्ट है। तो उसी के चक्कर में जैसे ही वो न्यूज़ बाहर आई, मार्केट ने उसी टाइम ही 1-2% की करेक्शन ले ली थी, एंड यही हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। इवन अगर आप शायद हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी हो, तो टेलीग्राम ग्रुप पे कल रात को 9:30 बजे करीबन ये इन्फॉर्मेशन भी गई थी कि हाँ बिटकॉइन जो है डबल टॉप पैटर्न फॉर्म कर रहा है। अगर हम डबल टॉप पैटर्न फॉर्म की बात करें तो ये रहा वो डबल टॉप पैटर्न जिसका टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट भी गया हुआ है। तो अगर आपने वो डबल टॉप पैटर्न पे ट्रेड ली होती एंड मार्केट को कल शॉर्ट कर दिया होता, तो आप लगभग 30% पे, लाइक अगर आपके पास 10x की भी लेवरेज होती तो आप यहाँ से करीबन 30% तो अप होते। 3.57% अभी मार्केट डाउन है, तो इस हिसाब से अगर 10x लेवरेज देखी जाए तो आपको बहुत इजीली 35% का रिटर्न बनता। तो कल मार्केट ने एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी दी थी, लेकिन अभी तक हम सिर्फ अपना बैड न्यूज डिस्कस करते जा रहे हैं, एक गुड न्यूज भी है। एंड तभी इस वीडियो का भी टाइटल है कि बिटकॉइन आपको एक ट्रैप दे रहा है। वो ट्रैप क्या है? रिसेंटली टेथर ने $1 बिलियन की टेथर इशू करे, एंड जब जब इतनी ह्यूज क्वांटिटीज में टेथर USDT इशू करता है तो मार्केट में एक सिग्निफिकेंट पंप हमेशा फॉलो हुआ ही हुआ है। बेशक से थोड़े टाइम बाद आता है, लेकिन वो पंप जरूर आता है, बिकॉज वो जो USDT मिंट हो रहे हैं वो ऑफकोर्स क्रिप्टो मार्केट में ही जाने वाले हैं, एंड वो $1 बिलियन आपकी क्रिप्टो खरीदने के लिए ही यूज होने वाले हैं। तो उन USDT का एक्चुअली यूज ही नहीं होता है, तो सीधा $1 बिलियन की लिक्विडिटी मार्केट में इंजेक्ट होने वाली है। एक बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, सडनली नहीं भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि हो सकता है वो धीरे धीरे आए। तो जब भी वो धीरे धीरे भी आएगा, 1 बिलियन एक छोटा अमाउंट नहीं होता है। तो 1 बिलियन का मार्केट कैप, आप ये समझो पॉलीगन के मार्केट कैप में अगर सिर्फ 1 बिलियन की एंट्री होती है तो पॉलीगन यहाँ से 10x दौड़ जाएगा। तो 1 बिलियन इतना ज्यादा पावरफुल यहाँ पर अमाउंट है। तो 1 बिलियन यहाँ पे इशू हो चुके हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें यहाँ पर एक बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब इन फार्मर्स वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हो तो हमारा यूट्यूब चैनल और एक्सप्लोर कर लेना, क्योंकि उसमें और भी मार्केट एनालिसिस वीडियोस हैं जो आपके लिए देखनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऑलरेडी इन फार्मर्स, अब आज के एपिसोड में वैसे नहीं, वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके तो बिना लाइक करे बगैर नहीं जाना, और ऐसी और कॉन्टेंट के लिए फिन फार्म को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलेंगे कुछ नए एपिसोड्स के साथ।